ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 27 अगस्त के ईश्वर वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम संतुष्टता की इस गुण को अपने जीवन में धारण कर लें। अगर आप देखें हमारे जीवन में ही लाइव एग्जांपल्स हैं बहुत सारे। अगर आप देखें कि बहुत ही जो सेंटहुड पाए हुए लोग थे, जिनको नाम भी मिला, शान भी मिली, और उनके फॉलोअर्स जो हैं उनको आज धन दौलत भी मिली हुई है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियनिटी के फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बुद्धिज्म के फादर, फादर ऑफ बुद्धिज्म लॉर्ड बुद्धा। उसी तरीके से अगर आप देखें कि लक्ष्मी नारायण जो हैं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, जो कि देवता कहलाए जाते हैं, उनके सर पे मुकुट, उनके पास में हीरे चांदी सब कुछ, सोने के महल, कैसे मिला, क्या उन्होंने किया, क्या त्याग किया जो कि भाग्य इतना ज़्यादा बड़ा मिला। और जितने भी आप एग्जांपल्स देखेंगे, लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे, जिन लोगों ने त्याग किया अपने जीवन का, अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर दिया, फिजिकल डिज़ायर्स की बात हो रही है यहाँ पर, वो इच्छाएं कि मुझे नाम मिले, मुझे शान मिले, मुझे लोग पहचाने, मुझे धन मिले, मुझे दौलत मिले, पहले मुझे चेक मिले फिर जाके मैं काम करूं, वो लोग उल्टा करते थे। वो करते थे और बिना किसी इच्छा के, और सब कुछ मिल जाता था। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन किस नींव पे खड़ी हैं? अगर वो डिसकंटेंटेड होते, असंतुष्ट होते, तो आज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी नहीं होती, वो टूट चुकी होती। और अगर वहाँ पर भी इन ऑर्गेनाइजेशन में, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ असंतुष्ट आत्माएँ हैं अगर, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को नीचे लेके चली जाएंगी। तो हम करें क्या इस ज्ञान के द्वारा, इस नॉलेज के द्वारा, संतुष्टता के द्वारा क्या मिलता है हमें, देखें इसको जरा। परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में, संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भवा। इमेजिन करें अगर आप सदा संतुष्ट हर चीज़ से, आपकी फीलिंग्स कैसी होंगी, आपकी बॉडी कैसे फील करेगी, आपका माइंड कैसा फील करेगा, आपके हार्ट की कैसी अवस्था होगी। आज इतने लोग असंतुष्ट हैं कि उनकी हार्ट की पैल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं, एक रुपया भी अगर कहीं पर लॉस हो जाता है, कोई थोड़ी सी भी उनकी बदनामी कर देता है, या कहीं से वो सुन लेते हैं अपनी बदनामी, तो उनका दिल विदीर्ण हो जाता है, वो सहन नहीं कर पाते हैं, वो संतुष्ट नहीं हैं। परमात्मा चाहते हैं कि हम उस संतुष्टता को हम अपने जीवन में धारण करें। तो परमात्मा कहते हैं, जिनके पास संतुष्टता का खजाना है, उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है, और जो हमेशा चाहिए और चाहिए, मुझे पूछो, मुझसे बात करो, मेरे को बताओ, मेरी महिमा करो, मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मुझे बताओ। जो इंसान अपने आप से संतुष्ट नहीं है, जो कि भौतिक दुनिया के चक्कर में फंसा हुआ है इंसान, वो आत्मा, वो कभी संतुष्ट हो नहीं सकती। उसको आप संतुष्ट कर भी नहीं पाएंगे, उसको आप जितना संतुष्ट करेंगे उसकी भूख और बढ़ती जाएगी। ऐसी आत्माएं खुद भी खोखली हो जाती हैं और को भी खोखला कर देती हैं। तो परमात्मा कहते हैं, और जिसके पास संतुष्टता नहीं, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो और 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि वो सारी इच्छाएं भौतिक इच्छाएं हैं। और अगर हम अपने पराभौतिक स्व को, उस ऊर्जा को, उस पार को, उस बेहद की शक्ति को अगर हम पहचान लें, तो हम ये समझ जाएंगे कि जब हम संतुष्ट होते हैं, किसी भी स्टेट में होते हुए, गरीबी में रहते हुए, बीमारी में रहते, अगर हम संतुष्ट रहते हैं, तो हम अट्रैक्ट करते हैं, हम एक मैग्नेट चुंबक की तरह बन जाते हैं जो अच्छाइयों को ही अट्रैक्ट करता है। और आप रोते रहें, बीमारी में रोते रहें, चाहे गरीबी में रोते रहें, आपके पास और बीमारी और गरीबी आएगी, क्योंकि आप वही वाइब्रेशंस, एक आत्मा सब बन करके आप वही ऊर्जाएं पूरे यूनिवर्स में भेज रहे हैं, जो कि वापस आपके पास में आएंगे। तो सारी बात आपकी फीलिंग्स की है। आप दिमाग से नहीं कह सकते कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, ये दिमाग की बात नहीं है, ये फील करने की बात है। इसकी एक प्रैक्टिस होती है जो कि हम मेडिटेशन में सीखते हैं। वो मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही हल्की बना देती है। आप भी आकर के सीख सकते हैं ये सारी प्रैक्टिसेस को। अगर आप दार्जिलिंग में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप किसी और जगह पर हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, तो आप अपने पास ही
ब्रह्म कुमारी सेंटर पर इस ज्ञान को और गहराई से समझ सकते हैं। आगे परमात्मा कहते हैं, इसलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या, हद की बातें मतलब फिजिकल चीजों की बातों से आप अविद्या हो जाओ, ये सबसे ऊंची स्थिति है। तब कहेंगे संतुष्ट मणि, ये बनना कैसे है? सोचने से लगता है ना घबराहट होती, कैसे हो सकता है? अगर संतुष्ट हो जाऊं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा जीवन में, तरक्की कैसे करूंगा? ये बात तरक्की की नहीं है, आगे बढ़ने की नहीं है, ये फिजिकल वर्ल्ड की आगे बढ़ने की बात नहीं है। आप पहले इंटरनली आगे बढ़ जाओ तो एक्सटर्नली सब कुछ बढ़ जाएगा आपके लिए आगे, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपके पास अच्छी हैं आनी शुरू, आप अच्छे बन जाओ, परमात्मा की नज़र में सब कुछ आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये करें कैसे, यही तो हम सीखते हैं ब्रह्म कुमारी, इसमें आप भी सीखें आकर के। इसी के साथ ओम शांति।